आत्मज्ञान के प्रेरणा स्रोत, वंदनीय संत समाज, आप लोगों के बीच आदेशानुसार कुछ विचार प्रस्तुत है। हम सब जीवन जीते हैं, हम सब जीवन जीते हैं, लेकिन इस जीवन को जीने के लिए, इस जिंदगी को जीने के लिए पहले से कोई नियमावली तैयार नहीं है। जैसे हम कोई छोटा सा मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल के साथ में एक यूजर गाइड दिया जाता है, जिसमें यह लिखा होता है या दिशा निर्देश लिखा होता है कि इसे किस ढंग से प्रयोग करना है। उसमें लिखा होता है कि कौन सा बटन किस ढंग से काम करता है, किस ढंग से हमें उसका उपयोग करना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है, किन किन जगहों से इसे बचाना है, ये सारे चीजें उसमें लिखी होती है। केवल मोबाइल की ही बात नहीं है, चाहे आप फ्रिज लीजिए, कूलर लीजिए, टीवी लीजिए, लैपटॉप लीजिए, कोई भी चीज, उसके साथ एक यूजर गाइड होती है। किंतु जो जिंदगी हम सब जी रहे हैं, जो जीवन हम सब जी रहे हैं, क्या कभी इसके लिए कोई यूजर गाइड है? इसके लिए कभी कोई नियमावली तैयार नहीं है। और इसीलिए हम सब जो जीवन जीना चाहिए, जिस ढंग से जीवन को जीना चाहिए, जिस ढंग से इसे सुंदर सुव्यवस्थित होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। इसे सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए संत गुरुजन कुछ नियमावली देते हैं। वे मार्गदर्शक होते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन को सुधार चुके होते हैं, संवार चुके होते हैं, और वे ही हमें एक दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसलिए वे हमें अपने जीवन को बनाने के लिए, इस जीवन को सुधारने के लिए, इस जीवन को संवारने के लिए कुछ दिशा निर्देश देते हैं। जैसे हमारे पास कोई वस्तु हो, वह खराब हो जाए तो हम उसे उसके रिपेयर के पास ले जाते हैं, जो उसका रिपेयरिंग करने वाला होता है उसके पास ले जाते हैं, और वह उसमें जांच करता है, निरीक्षण करता है, और उसे पता चल जाता है कि इसमें यह खराबी है, और फिर वह उससे बना करके ठीक कर देता है। क्या हमारे जीवन में, क्या हमारी जिंदगी में आज तक हमें पता चला है कि हमारे जीवन में कौन सी वीक पॉइंट है, क्या खराबी है, क्या इसमें सुधार करने की जरूरत है, क्या इसमें बदलाव लाने की जरूरत है? अगर हमें यह भी नहीं पता है तो हम बनवाएंगे क्या चीज या बनाएंगे क्या चीज? पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या इसमें बिगड़ा हुआ है, क्या इसमें गड़बड़ियां हैं। वैसे तो जीवन हर इंसान जी रहा है, रोटी कपड़ा मकान लगभग सबको मिल जाता है, कुछ एक को छोड़ करके। और जिन्हें रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पाता उनके लिए ये बातें भी नहीं है, क्योंकि जिन्हें रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलता उन्हें किसी सद्गुण, किसी सदाचार की आप बात नहीं बता पाएंगे। पहले तो उनकी वो आवश्यकता पूरी करनी होगी। जिन लोगों को, जिन इंसान को, जिस इंसान को
रोटी कपड़ा मकान मिलने के बावजूद जीवन में दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, उनके लिए ये दिशा निर्देश काम आते हैं। उनके लिए नियम की आवश्यकता होती है कि अब जो आगे की जिंदगी है उसे अच्छे ढंग से बनाना है, उसे सुव्यवस्थित बनाना है। और उसी में कुछ बातें याद आती हैं। हमारा जीवन तीन मुख्य बिंदुओं से निर्मित होता है। और वो है मन, वाणी और कर्म। मन, वाणी और कर्म। कर्म ये बाहर जो दिखाई देता है, जो कुछ भी हम करते हैं, जो हमारे द्वारा निर्मित होता है या विघटित होता है, जो कुछ भी हम करते हैं वह हमारे द्वारा किया गया कर्म है। जो दूसरों को प्रकट होता है, दूसरों को दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे एक और चीज है। वह क्या है? वह है हमारा मन। मैंने कहा ना, तीन बिंदु हैं, मन, वाणी और कर्म। वाणी, हम जो बोलते हैं वो दूसरों को तब पता चलता है जब हम बोलते हैं। अगर हम बोले ही ना तो हमारे विचारों में, हमारे अंदर में क्या चल रहा है यह दूसरों को पता नहीं चलेगा। वैसे ही हम कुछ करें ही ना, हम हमेशा निष्क्रिय रहें, तो भी पता नहीं चलेगा कि यह किस ढंग का इंसान है या क्या करने वाला है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ चलता है, अगर उसके मन में कुछ होगा और वह कुछ करेगा तो पता चल जाएगा। मेरा सीधा सा कहने का मतलब यही है कि हम जो कुछ भी करते या बोलते हैं उसके पीछे किसका हाथ है। हम जो कुछ बोलते या करते हैं उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का हाथ है। अगर मन हमारा अच्छा है, मन हमारा प्रसन्न है, तो हमारे द्वारा निकली गई वाणी प्रसन्नता पूर्वक होगी, मीठी होगी, और हमारे द्वारा किया गया कर्म वह भी अच्छा होगा। लेकिन हमारा मन ही खराब है, हमारे मन में उत्तेजनाएं भरी हुई है, हमारा मन क्रोधित है, हम किसी लालच से ग्रसित हैं, तब हमारे द्वारा किया गया कर्म या हमारे द्वारा बोला गया वक्तव्य या वाणी उससे ग्रसित होगा। जैसे अगर हमारे मन में लालच होगा तो हम किसी से भी कुछ भी बोलेंगे तो उसमें कुछ बात ऐसी होंगी जो उस लालच को सपोर्ट करती हो। अगर कोई काम करेंगे तो वो ऐसी होगी जिससे हमें उस लालच या जिस चीज की लालच है वो चीज हमें मिल जाए, ऐसा ही काम हम करेंगे। अब वो काम अच्छा है कि बुरा है वो बाद की बात है, लेकिन हमारा मन कैसा है इस पर ही यह निर्भर करता है। तो हम सबको क्या चाहिए? हम सबको चाहिए कि हम अपने मन को संवारें। साधक का सबसे बड़ा काम यही होता है। बाहर की दुनिया, बाहर की जिंदगी, बाहर के क्रियाकलाप यहां रहते रहते अपने आप सुधर जाते हैं। लेकिन जो मन का है ना, जो अंदर का है, भीतर का है, वो नहीं बदलता है। हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो भावनाएं विकसित नहीं होती हैं, वो सही नहीं होती हैं, और हमें जरूरत है उसी को सुधारने का। हम सब जहां रहते थे क्या किसी चीज की कमी थी? कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो हमारे मन की प्रसन्नता की कमी थी। हमारे मन में जो प्रसन्नता होनी चाहिए उसकी कमी थी,
और उसी के लिए हम सब यहां आए हैं। अब उसे हम मोक्ष कहें, कल्याण कहें, कुछ भी नाम दें, वो चीजें साहेब जी एक दिन बता रहे थे, गुरुभूषण साहेब जी, कि जो मोक्ष है, कल्याण है, ये सब ये फल है, जो हम करते हैं उसका परिणाम है ये, लेकिन हम जो करते हैं वह क्या है? वह है हम अपने मन को सजाने का काम करते हैं, हम अपने मन को संवारने का अगर काम करते हैं, अपने जीवन को जब अच्छा बना लेते हैं, तो वो कल्याण की प्राप्ति या सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये सब अपने आप हो जाता है। जैसे विज्ञान की भाषा में कहा जाता है, पानी अगर बनाना हो तो H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कुछ परमाणु मिला करके उसे पानी बनाया जाता है, या उससे मिलने से पानी बन जाता है। वैसे ही जब हम अपने मन को वो अनुकूल परिस्थिति दे देंगे, जब हम अपने मन को वो अनुकूल परिस्थिति दे देंगे, तब वो चीज हमें अपने आप मिल जाएगी। मतलब अगर हम सुख चाहते हैं, अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को उसके अनुरूप बनाना होगा, अपने मन को सजाना होगा, अपने मन को संवारना होगा, इसमें जो कालिमा है उसे धोना होगा, तभी हम अपने जीवन को सुख और शांति की तरफ ले जा सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि मन, वाणी और कर्म, जो हम कर्म करते हैं, इससे दो चीजें होती हैं। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारे संस्कार भी बनते हैं, और आने वाले समय में वो फल के रूप में पैदा भी होते हैं। जैसे हम एक बीज बोते हैं, हम एक बीज बोते हैं खेत में, या कहीं भी हम एक बीज बोते हैं, तो उससे क्या होता है? अगर पहले से हमारे पास अगर बीज ना हो तो हम बो नहीं पाएंगे, अगर बीज है, बो दिए हैं, तो उसका फल मिलना ही मिलना है। वैसे ही जो हम जीवन जी रहे हैं, इसमें हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, सही करते हैं या गलत करते हैं, उसका परिणाम हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसके हमारे अंदर जो संस्कार बनते हैं, वो संस्कार फिर से हमें उस तरफ आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम अच्छे चीजों का मनन, चिंतन, अध्ययन नहीं करते, तो क्या होगा? हम अच्छे चीजों का अगर मनन चिंतन नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप बुरे विचार, बुरे चिंतन हमारे मन में आते जाएंगे, और वो जो बुरे विचार होंगे, वो बुरे चिंतन जो होंगे, वो धीरे धीरे हमें और बुरा करते जाएंगे, और बुरा बनाते जाएंगे। वैसे ही अच्छे चिंतन, अच्छे सदग्रंथ, अच्छी चीजों का मनन पठन, वो जब हम करते जाएंगे, तो वो भी हमें धीरे 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 उस ओर अग्रसित करेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, संगत कीजिए साधु की, जो कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि हम अगर अच्छे की संगत करते हैं, अच्छे चीजों के साथ रहते हैं, अच्छे चीजों के साथ उठना बैठना और हमारा जो रहनी है वो अच्छा होता जाता है, तो हमारा जीवन अपने आप अच्छा बनते जाता है। और जब जीवन अच्छा बनता है, तो हमारे द्वारा होने वाले हर क्रियाकलाप अच्छे हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन को सुधारें, जीवन को बनाने का काम करें, और उसके लिए जरूरत है अपने मन को संवारना। जब हम अपने इस मन को संवार लेंगे, इस मन को सजा लेंगे, तो हमारा जीवन अपने आप सुखमय और शांतिमय हो सकता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।